दिल्ली में पिछले सालों के मुकाबले इस बार दिवाली के दिन आबोहवा फिर भी ठीक है। इस आंकड़े का सहारा लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मंत्री गोपाल राय पर अटैक किया। मनोज तिवारी ने क्या कहा वो भी आप सुने। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का जो मंत्रिमंडल है वो दिवालिया हो गया है मानसिक रूप से। आज दिवाली के बाद भी जो पॉल्यूशन का लेवल है इससे ज्यादा तो 5 दिन पहले हो चुका है। तब तो पटाखे नहीं बजे थे, तो जो बिना पटाखे बजे जब पॉल्यूशन 950 एक्यूआई पार कर जाता है और दिवाली के बाद भी, पहली बात मान लिए चलो कुछ पटाखे बजे भी, तो भी दिवाली के बाद भी पहले वाले से कम ही क्यों, पॉल्यूशन कम क्यों है भाई? ये तो ठीक है बीच में बारिश हो गई, बारिश ने 4-5 दिन उसको कंट्रोल किया, लेकिन उस लेवल तक तो नहीं गई जो बिना पटाखे बजे हुआ है। तो कृपया इस मानसिक दिवालियापन को बंद करे आम आदमी पार्टी, अपनी गलती स्वीकार करे, अपनी गिरेबान में झांके आम आदमी पार्टी, और जो रेगुलर कारण बनते हैं उस पे ज्यादा जोर दीजिए, न कि एक दिन के कारण पे किसी पर्व त्योहार को ही खत्म करने के लिए टूट पड़िए उस पे। मूल यह है कि इनको सत्य सनातन संस्कृति के पर्व त्योहारों से दुश्मनी है, इसलिए इनका टारगेट दिवाली होती है, दिवाली। अब देखिए दीपावली को लेकर ये तमाम आरोप है ये आम आदमी पार्टी लगा रही है, और आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है कि बीजेपी ने साथ नहीं दिया, पड़ोसी राज्यों ने साथ नहीं दिया। तो भाई पंजाब में पराली क्यों जली? पंजाब में तो आपकी सरकार है, आप ही ने खुद अपना साथ नहीं दिया। खैर, क्या दिल्ली में प्रदूषण की वजह से आतिशबाजी हुई? इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़े हुए हैं। पटाखों ने दिल्ली का प्रदूषण कितना बढ़ाया इसके आंकड़े आने वाले दिनों में और आएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि आतिशबाजी से आपकी सेहत पर गंभीर असर होता है। अब वो गंभीर असर क्या है आपके सामने रख रही हूँ। पोटेशियम नाइट्राइट, इस केमिकल की वजह से आंखों में जलन की शिकायत होने लगती है, स्किन की दिक्कत होने लगती है, सांसों की बीमारियां होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। अमोनियम पोटेशियम जो इस प्रदूषण में पाया जा रहा है उसकी वजह से फेफड़े के कैंसर का खतरा बढ़ता है, तो वहीं फेफड़े और सांस से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं क्योंकि इसी हवा में बोरियम नाइट्रेट भी है। इसमें परक्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बेरिलियम और निकल, इन तमाम केमिकल्स की वजह से स्किन में खुजली हो, फेफड़ों में सूजन हो, सिर दर्द हो, थकान हो, चक्कर तक आते हैं, थायराइड के ग्लैंड पर भी असर पड़ता है। इतना तो तय है कि ये प्रदूषण हमारी सांसों के लिए, हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। अब भले ही दिल्ली में प्रदूषण पटाखों की वजह से हुआ है या पंजाब में जलने वाली, हरियाणा में जलने वाली, यूपी में जलने वाली पराली की वजह से हुआ है, लेकिन ये प्रदूषण हमारे और आपके लिए बहुत खतरनाक है। अभी तक दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जितने भी आंकड़े सामने आए हैं उसमें पराली को दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बताया गया है। एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण के लिए पराली 25-33% तक जिम्मेदार है। इसके बाद दिल्ली की अच्छी आबोहवा का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इसके प्रदूषण फैलाने में 12-14% तक की भागीदारी है। घरेलू स्रोत की बात करें तो दिल्ली में 13% प्रदूषण इसकी वजह से फैलता है। धूल के कण केवल 4% हैं, और निर्माण जितने भी सार्वजनिक निर्माण हो रहे हैं या घर भी बन रहे हैं या इस तरह के फैक्ट्रीज भी बन रही हैं तो उसका 7% हिस्सेदारी है इस शहर में, और उद्योग की 11%। तो यानी आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा असर तो इसी पराली की वजह से हो रहा है, और दूसरा फैक्टर है ये ट्रांसपोर्ट।